पंचायत उपचुनाव हो रहा है सर यहाँ पे। पूर्व में क्या है, कोरोना काल के समय अपना पूर्व सरपंच मृत्यु पश्चात यहाँ रिक्त पद को ये करने के लिए भरने के लिए पंचायत उपचुनाव अभी हो रहा है, जिसमें यहाँ कोरोना नियम का पालन पूरी तरीके से आम मतदाता कर रहे हैं। इस दरमियान मैं भी पहुँचा हूँ यहाँ मतदान करने के लिए। किसी प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे गांव का समुचित विकास और गांव में शांति सौहार्द का वातावरण तैयार करने के लायक हो, इस टाइप के प्रत्याशी को हम अपना मतदान करें। मैं गांव का सर्वांगीण विकास ये मेरा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में कार्यवाहक सरपंच के पद पर कार्यरत था और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के हर ग्रामवासी जो हैं मेरे कार्य से खुश हैं और आगे भी खुश रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। मैं सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हूं और अगर पैनल आ जाता है मेरा तो बुजुर्ग लोगों का सबसे पहले ध्यान दूंगा मैं। पेंशन है, विकास तो विकास बाद में होगा, लेकिन पहले जनसेवा मेरे पहले करना है, उसके बाद विकास करना है। त्रि में जो पंचायत के हमारे त्रिस्तरीय उपचुनाव हो रहे हैं तो उनमें पूर्व में 44 पंच, 7 सरपंच और 2 जनपद सदस्यों के लिए चुनाव होना था, परंतु 25 पंच और 2 सरपंच हमारे निर्विरोध निर्वाचित होने की वजह से 19 जो पंच है, 4 सरपंच है और 2 जनपद सदस्य है, इनके लिए अभी चुनाव आयोजित किए गए हैं। 19 पंचों के विरुद्ध हमारे यहाँ 43 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी प्रकार से 4 सरपंच पदों के लिए कुल 12 अभ्यर्थी और 2 जनपद सदस्यों के लिए 5 अभ्यर्थी हमारे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आज किसी प्रकार के व्यवधान की सूचना नहीं है और सब जगह से अच्छे लोग उत्साहपूर्वक मतदान कर रहे हैं। कितना उत्साह है सर लोगों में? लोगों में काफ़ी उत्साह है। कुछ मॉडल हमारे केंद्र भी बनाए गए मतदान के लिए, जैसे पुटियाडी, जहाँ विशेष व्यवस्था भी की गई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा प्रतिशत होगा मतदान का।